सांप को देख के ऐसा नहीं लगता जिसके बारे में हम सुनते आए हैं कि ये तो आस्तीन का सांप निकला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फिलहाल हम जा रहे हैं ज़ारा के टॉय लेने और हम ऐसी शॉप पे जा रहे हैं जो पूरी की पूरी टॉय की शॉप है। अगर आपने बनाया था डॉलर शॉप का व्लॉग तो यहाँ पे एक ब्रांड है मिस्टर DIY, तो मिस्टर टॉय और मिस्टर डॉलर और ये DIY ये सब एक ही ब्रांड के अंदर आते हैं। तो जो DIY है इस पर आपको घर की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा जो ये मिस्टर टॉय है इस पर पूरे के पूरे टॉयज मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉप का विजिट कराती हूँ। आप लोग अक्सर ना मुझसे पूछते रहते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, कौन सी चीज़ मिलेगी, कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी और कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो आज मैंने डिटेल में शॉपिंग की वीडियो आप लोग के लिए बनाई ताकि जिनके जहन में भी जो जो क्वेश्चंस हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, हम कहाँ से लेते हैं, कैसे बाय करते हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। आई होप कि आप लोग को मज़ा आएगा इस वीडियो में। कौन सा चाहिए सारा? आजकल बच्चों को टॉयज लेके देना कोई इतना डिफिकल्ट हो गया है ना, इतने के पास ऑप्शंस है ना। ये पूरी शॉप सिर्फ बच्चों के टॉयज की है, उसमें आधी चीज़ें जो है वो गर्ल्स की है और आधी साइड पे बॉयज़ की हैं। तो आई डोंट नो व्हाई मुझे कभी ऐसा फील होता है कि शायद हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे तो हमारी कुछ कुछ चीज़ें ना सिलेक्टिव होती थी। अब हमारे बच्चों के पास इतने ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनको किचन सेट भी चाहिए उसमें रेस्टोरेंट वाले खिलौने अलग होंगे और उसमें अगर कॉफ़ी शॉप वाले टॉयज हैं वो अलग होंगे, रोल प्ले वाले अलग होंगे। इनकी जो पूरे अप्लायंसेज है ना, कुकिंग अप्लायंसेज, उनकी पूरी रेंज पड़ी हुई है। तो जूसर्स इनके अलग हैं और जो कॉफ़ी मशीन्स हैं वो अलग हैं, कैटल्स अलग हैं। इतने 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 हैं ना कि बच्चे खुद भी कंफ्यूज और हम भी कंफ्यूज। अच्छा, कभी कभी तो दिल करता है कि मैं भी बच्चों के साथ दोबारा से छोटी हो जाऊँ। इतने कोई मज़े के टॉयज होते हैं इनके और इतना कोई मज़ा आता है ऐसे मज़े मज़े के टॉयज देख के। खैर, मेरी फ्रेंड के बेटे की भी बर्थडे आ रही थी तो उसके लिए भी गिफ्ट लेना था और ज़ारा के लिए भी गिफ्ट लेना था, तो वो दो गिफ्ट हमने ले लिए और अब हम जा रहे हैं बर्थडे की बाकी चीज़ें लेने के लिए। कोई टॉय शॉप के बाहर ना इतने मज़े का कोई स्नेक एंड लैडर बना हुआ है, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था ना, बच्चे खेल रहे थे और मैं इंजॉय कर रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे ना आज़ादी का कोई फेस्टिवल लगा हुआ है, मार्टी का फेस्टिवल, और यहाँ पे देखिए स्नैक्स वगैरह काफ़ी सारे और डिफरेंट एनिमल्स है मॉल में। तो यहाँ पे ना स्नैक्स और ये डिफरेंट चीज़ें सेल करने के लिए लाते हैं। तो बींग अ पाकिस्तानी, मैंने पाकिस्तान में कभी भी ये चीज़ नहीं देखी कि स्नैक्स या फिर फ्रॉग्स या फिर स्पाइडर्स या फिर लिजर्ड्स जो है ना कोई सेल कर रहे हो। अच्छा, सेल की बात तो तब आएगी ना जब कोई लिजर्ड्स को या रेड्स को या माउस को पेट करना चाहेगा। तो आई डोंट नो यहाँ पे वो कौन से लोग हैं जो बड़ी खुशी से लिजर्ड्स को, स्नैक्स को और फ्रॉग्स को और रेड्स को, माउस को, इन चीज़ों को पेट करते हैं। मॉल में एक साइड पर उन्होंने फार्म बनाया था, उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑस्ट्रिच और कॉक्स, हैंस, इस टाइप की चीज़ें थी। अब एग्जैक्ट उनका नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के थे। और उसी के अंदर माउस भी रखा था, उसी के अंदर उन्होंने रैबिट भी रखा हुआ था और इतने कोई, मतलब इतने कोई सिविलाइज्ड किस्म के थे, टेम्ड कोई थे। आई डोंट नो कि ये फ्रॉग्स और लिजर्ड्स वगैरह को भी टेम किया जा सकता है या नहीं, पर बड़े महंगे बेच रहे थे लोग। अब्दुल्ला ये कितनी बड़ी है, कैट इतनी प्यारी है, मैम को देखिए कैसे टेक लगा के बैठी हुई है, सो रही है बल्कि। हेलो मैडम, एनिमल्स जाके देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें, एक साइड पे आपको नजर आएगा रैबिट और अगर आप बिल्कुल छोटा सा ये एनिमल नोटिस करें तो यहाँ पे माउस भी रखा हुआ है। और रैबिट और माउस के साथ साथ यहाँ पे पीकॉक्स तो नहीं, ऑस्ट्रिच और हैन, बड़े डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स हैं, सबके सब एक ही फार्म के अंदर इन्होंने रखे हुए हैं। अच्छा, बच्चों का दिल था कि उनको फिश और एक्वेरियम वगैरह लेकर दें, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम परमानेंट यहाँ पे नहीं रह रहे हैं तो हमने इनको नहीं लेकर दिए। एक मछली एक तरह का फिश खाते थे, एक मछली एक तरह सारी मछलियाँ खा रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये टर्टल कह लें या टोर्टाइस कह लें, ये बहुत ही मज़े के थे, छोटे छोटे से। ये जो है ऐसे लगता है जैसे वो है। बहुत मज़े का ना शेल्ड क्रैब है, इसको डेंजर फील होता है तो अपने शेल में घुस जाता है, लेकिन है क्रैब। बाकी की शॉपिंग करते हैं। आज हम लोग कुछ शॉपिंग करने आए थे 2 रिंगिट शॉप पे, यहाँ पे हर चीज़ 2 रिंगिट 40 सेंट्स की है और लास्ट टाइम मैंने इसकी भी
लास्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और जो है यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है उन्होंने ग्लासेस लगाई हुई थी और जो है मैं देखते ही पजल हो गई थी। तो खैर स्टार्ट होते यहाँ पर जो है ना बेकरी है और इस बेकरी में भी चीज़ें ज़्यादातर जो है 2 रिंगिट 80 सेंट्स और या 2 रिंगिट के अंदर अंदर ही हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं देखती हूँ कि बर्थडे के लिहाज से मुझे क्या मिलता है क्योंकि डेकोरेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं बर्थडे की। मैंने केक डेकोरेशंस ली थी सिर्फ शुगर वाली और वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव लग रही थी, यानी 13 रिंगिट की 24 रिंगिट की। तो मैंने सोचा कि हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए आप भी हमारे ऊपर जा चुके हैं और मैं यहाँ पर इन लोगों को देख रही हूँ जिन्होंने आईज में जो गॉगल्स लगाई हुई हैं। तो चले जल्दी से ऊपर जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे होती थी 2 रिंगिट 40 सेंट्स की, अब भी शॉप का नाम तो वही है पर चीज़ें काफ़ी अपग्रेड हो गई हैं और यहाँ पे चीज़ें 20 और 30 की भी अवेलेबल है। लेकिन सारे यहाँ पे आप लोग को बाय कर रही है। हाँ तो अब जो है ना वो ये बात नहीं है कि हर चीज़ 2 रिंगिट की होगी, लेकिन काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें। ये देखें ये रमदान का जो है ना इतना प्यारा सा लैंप कह लें या बॉक्स कह लें, ये 10 रिंगिट का है। इन चीज़ें हैं, लंच बॉक्सेस वगैरह हैं, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं 8 रिंगिट के। जी शूज़ हैं, दिखाओ। अच्छा किसी किस्म के शूज़ भी रखे हैं, ज़ारा ने देखे। इस साइड पे भी डिफरेंट बैग्स वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, दिखाएं कितना क्यूट है। वाह ये जो है ना यूनिकॉर्न जो है ना 17 रिंगिट है। ये देखें ये जेंट्स के लिए बेल्ट है, वॉलेट है और ये बड़ा खूबसूरत सा बॉक्स है, ये 30 रिंगिट में है। कर्टन्स वगैरह भी हैं डिफरेंट, बहुत सारे और डिफरेंट प्राइस रेंज है। और उसके अलावा ना इतनी चीज़ें कोई भर गई है ना, लेकिन वो जो 2 रिंगिट वाला मज़ा था ना, 2 रिंगिट पहले 2 रिंगिट था या 2.10 था, 2.20 था, फिर 2.40, लेकिन वो वाला मज़ा ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ऑनेस्टली मुझे मज़ा नहीं आ रहा। जहाँ पे बेकिंग की चीज़ें लेने आए थे वहीं पे हमें मिल गई थी 2 रिंगिट शॉप और वहीं पे अब हमें जो है ना एक और हाइपर मार्ट मिले जहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे आके हमें पसर वाली फीलिंग आ रही है, जो नाइट मार्केट मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारा जुम्मा बाजार होता है। आप सुने बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, मारी मारी मुरा मुरा, आई डोंट नो व्हाट व्हाट। तो जो है ये हाइपर मार्ट है और यहाँ पर जो है वो वही सेम ग्रोसरी आइटम्स है। चलें ग्रोसरी वाली वीडियो तो मैंने आपको बहुत डिटेल से दिखाई है, फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं। तो अब अगर कोई मुझे ख़ास चीज़ नज़र आई जो पॉइंट मुझसे रह गया हो तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब्दुल्ला साहब जो है ना बिल्कुल थक चुके हैं। एग्स हैं ये देखें, वाले एग्स जो है ना ये कुक्ड एग्स हैं और ये इनकी लुक चेक करें किस तरह के हैं। अच्छा उसके अलावा ये वाले एग्स देखें, पता नहीं किस किस्म के एग्स हैं, इसमें कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हालाँकि मैंने ट्रांसलेट भी किया। एग्स की तो इतनी वैरायटी है ना, वो जो टॉर्टाइज होता है उसके एग्स से लेके पता नहीं किस किस चीज़ के एग्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा ये कंपुंग है, यानी देसी अंडे जैसे होते हैं वो, ये कंपुंग है। जनरली यहाँ पे एग्स ना ब्राउन कलर के होते हैं। अच्छा इसके अलावा ये है न्यूट्री प्लस एग्स, न्यूट्री प्लस क्लासिक्स। अच्छा उसके अलावा यहाँ पर ना बहुत अलग अलग किस्म के एग्स हैं, ये पता नहीं कौन सी, ये चिड़िया के अंडे आई थिंक। अच्छा ये भी सारे एग्स हैं, कोई ओमेगा एग्स हैं, कोई न्यूट्री एग्स हैं, कोई कौन से हैं, कोई कौन से हैं, पर इतनी वैरायटी है ना, पूरे शेल्फ्स के शेल्फ्स भरे हुए हैं एग्स से ही। पर हम जो है ना वो प्लेन वाले लेते हैं, ग्रेट ए या डबल ए एग्स, और वो भी हमने इस बेस पे चूज़ किया कि उनका साइज़ बड़ा होता है, पर नॉर्मल एग्स होते हैं। ऐसा होता है कि हम जब भी ग्रोसरी करके आते हैं ना तो हमारा दिल करता है हम कुछ खाना खाएँ और फिर हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी जो अवेलेबल, और फिर इतने पैसे लग जाते हैं ना, और फाइन डाइनिंग करने का मौका ही नहीं मिलता। आप मेरे ब्लॉग्स में देखिए बस यही लोकल फूड ही हम लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो इस बार मैंने पक्का तैयार किया होता कि आप अगर करनी है हमने फ़ाइन डाइनिंग करनी है, उसके अलावा मैक्सिमम हमने घर पे बनाना है। तो खैर आज जब हम निकले तो मैं आटा गूंद के आई थी, घर में कढ़ी बनी हुई थी, थोड़े से राइस पड़े थे, मैंने कहा खाना बाहर नहीं खाना, अगर करनी है तो फ़ाइन डाइनिंग, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तो मेरा मुँह पका हुआ है तो जो है वो होटल पर खाते हैं। तो उसको हम जो है ना पठान चप्पल कबाब पे आए, बोले ना इसका लोकल टाइप का माहौल है कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिनी पाकिस्तान है।
ख़ास से मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, पाकिस्तानी है और वैसे चप्पल कबाब का होटल है, लेकिन हमें ना सबसे पसंद यहाँ पे लस्सी है और चाय है और गर्मा गर्म नान है। तो चले खाना खाते हैं और इसके बाद ना जी यहाँ पे आ गए हमारे चप्पल कबाब। हाँ अच्छा, चप्पल कबाब हमारे आ गए हैं और रोटी और साथ में आ गए हैं हमारी लस्सियाँ भी। तो यहाँ पे आके ना बस इस चीज़ का हमें बड़ा मज़ा आता है कि गर्मा गर्म नान, चप्पल कबाब और लस्सी, और रेट्स इतने रीज़नेबल है ना। तो मुझे ना कबाब लीमू निचोड़ के बहुत मज़े का लगता है। कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा और बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म बना हुआ है। उस पर हम जब भी आए ना हर वक्त इतना रश होता है ना। यहाँ की रौनक पूरी पाकिस्तान वाली है। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मुझे लिटरल सेंस में जाना कभी महसूस नहीं होती पाकिस्तान की। और वो जो ढाबे वाला माहौल है उसको देख के मुझे ऐसा याद आता है जैसे जब मैं जॉब करती थी ना, तो सुबह सुबह हम बहुत अर्ली उठते थे। तो किसी किसी दिन ना मैं हस्बैंड को बोलती थी कि यार आज मैं 10 या 15 मिनट जल्दी तैयार होंगी, हम घर पर ना नाश्ता नहीं करेंगे और हम नाश्ता करेंगे बाहर ना। तो फिर हम ना किसी रोड साइड रेस्टोरेंट पर पराठे खाते थे, अंडा खाते थे, बलाई दही और ये वाली चीज़ें खाते थे मज़े की। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ उस तरह की फील आती है। खैर वो भी पठान होटल है और उनकी चाय का भी अपना मज़ा आता है। आज हमने यहाँ पे चाय नहीं पी, चाय पी के ना ज़रा सुस्ती सी हो जाती है। अभी घर जाके थोड़े से काम करने हैं, तो मैंने कहा चलो घर जाके बड़ा वाला कप चाय का ज़बरदस्त इन्जॉय करेंगे। कि बारिश हो रही है और हम लोग आ गए नाइट मार्केट यानी कि पसर में, और ये हफ्ते में 2 बार लगता है। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, वैसे मैंने डिटेल में आप लोगों को इसकी वीडियो बना के शेयर की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी मैं टैग करती हूँ, लिंक करती हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अच्छा यहाँ पे इनका जो है ना सी फूड का टिक्का बन रहा है, और यहाँ पे ना इस वाले जो कैंप है इस पर जो है फ्राइड आइटम्स पड़े हैं, यहाँ पे जो है वो फ्रेश चिकन है और बीफ है, यहाँ पे इन लोगों की कुछ अचार चटनियाँ वगैरह हैं, यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं। यार बारिश हो रही है हल्की हल्की, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा मोबाइल जो है ना भीग ना जाए। पीसेस जो है ना ये 10 रिंगिट के हैं, ये वाले क्या कहते हैं ऑरेंजेस, और वो जो वो वाले ऑरेंजेस हैं ना वो बिल्कुल छोटे हैं, वो लेमन के साइज़ के, वो फिर किलो के हिसाब से हैं 1 kg 7 रिंगिट के। उस साइड पर लीची है, हम जो है वो यूजली लेते हैं वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स लेते हैं हम, या फिर अंगूर लेते हैं, या फिर एप्पल्स लेते हैं, या फिर बनानास लेते हैं। तो हमारे फ्रूट्स फिक्स्ड हैं। कभी कभार हम मैंगोज भी लेते हैं, लेकिन कभी कभार कोई फ्रूट्स ख़राब निकलते हैं तो फिर हम वो वाले लेने बंद कर देते हैं कुछ अर्से तक। इन्होंने एक मिनी कॉस्मेटिक शॉप भी लगाई हुई है। फ्रूट पता नहीं इसको स्टार फ्रूट कहते हैं क्या कहते हैं, बड़ा डिफरेंट सा होता है। पीछे पपीते भी रखे हुए हैं, महंगे लंगो पता नहीं क्या बोले। हाँ लंगो, ये जिसमें रखते हैं इसको लंगो बोलते हैं। ये क्या चीज़ है? बमचिक बम नहीं है, जापानीज स्वीट पोटैटोज होते हैं, और ये सच्ची में स्वीट होते हैं। इनको बेक करके खाने का ना बड़ा मज़ा। तो इस वक्त जो है ना वो शाम भी हो गई है और बारिश भी हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। ज़ारा की बर्थडे के लिए मैंने लिए बहुत मज़े मज़े की चीज़ें, वो मैं आपको एक ही व्लॉग में जमा करके पूरी दिखाती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।